दोस्तों ये प्रैक्टिस मॉक के मैंने RRB ऑफिसर्स स्केल 1 का मॉक दिया था। यहाँ ये प्रीलिम 2 का स्कोर कार्ड है, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 90% हो जाता, 96% हो जाता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मेरा एक्यूरेसी देखते हो बिगड़ गया है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 58 अटेम्प्ट किया था और मेरा मार्क 53 करेक्ट हुआ है और 5 गलत हो गए, इसीलिए मेरा 51 आया है। लेकिन मेरा ये गलत नहीं होते तो मुझे लगता है शायद एक दो गलत होता, लेकिन मेरा एक दो गलत होने पर भी मेरा 95 के प्लस परसेंटेज आता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप 56 अटेम्प्ट मार्कर आते ही 96 के परसेंटेज आ जाते। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ इसमें कितना आया है। क्वान्टिटी एटीट्यूड में मैंने 37 करेक्ट किया है, 2 रॉन्ग हो गए, मैंने 39 अटेम्प्ट किए हैं। और यहाँ पर रीजनिंग पर देख रहे हो, रीजनिंग पे 29 अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ पर 29, लेकिन यहाँ पर 3 भी गलत हो गए। ये सब सिली मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैथ पे, एक मिनट, मैथ पे देख सकते हो यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हो एक सिली मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और रीजनिंग पे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये पजल गलत नहीं हुआ है लेकिन सिली मिस्टेक हो गया है। यहाँ यहाँ पर भी एक सिली मिस्टेक, तो ध्यान देना चाहिए मुझे। और मैंने एक पजल अटेम्प्ट नहीं किया है, यहाँ पर देखो ये पजल अटेम्प्ट नहीं किया, टाइम नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं सारा रीजनिंग का कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहो, मैं आगे ही ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, दिखाते रहूँगा कैसे कि रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है सही से, और रीजनिंग को फुल मार्क, मतलब कि 35 से 40 मार्क के आसपास लाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।